हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का डे 21 डिस्कस करेंगे, जो नया टॉपिक है डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डायरेक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से डायरेक्शन के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां से आपको क्लास का PDF प्लस क्लास का नोटिफिकेशन प्लस आपको टेस्ट का फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो आप वीकली एक होता है, एक से दो भी हो सकता है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डायरेक्शन के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। अ मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टर्न लेफ्ट एंड राइट फिर राइट एंड लेफ्ट इन द सीरीज इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज। मैंने एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, और वह पहले बाएं फिर दाएं और बाएं क्रमवार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, देखिए बाएं मुड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या डायरेक्शन को टर्न को चेक करते हैं। टर्न जो है मैंने कितना घूम रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर राइट ले रहा है, फिर राइट ले रहा है, फिर राइट ले रहा है, फिर लेफ्ट ले रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ राइट वाला बचेगा। ठीक है, सिर्फ राइट वाला बचेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ए मैन जो है किस तरह फेस किया हुआ है। अब आदमी जो है किधर फेस किया हुआ है, देखिए आदमी जो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट इधर फेस किया हुआ है, इस डायरेक्शन में आदमी फेस किया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में फेस किया हुआ है। तो अब क्या है, सिर्फ राइट टर्न लेना है, यानी कि राइट टर्न लेगा तो हमेशा 90 डिग्री, अगर टर्न लेगा तो 90 डिग्री में जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। जब भी कभी भी टर्न लेना है तो हमेशा इस तरह टर्न लेना, अगर इधर है तो राइट टर्न लेगा तो इस तरह घूम जाएगा पूरा, यानी कि अब किस डायरेक्शन में चला गया। वो पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज, मतलब अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको लॉजिकली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, तो आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे और क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर बैठेंगे और आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। इसीलिए आपको ये लॉजिकली सोचना है कि लेफ्ट है राइट है, राइट है राइट है राइट है, तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा आपस में, और लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा राइट टर्न यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो अब वो जब राइट टर्न लेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट मैंने नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन फेसिंग टूवर्ड साउथ ईस्ट एंड टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 135 डिग्री एंड लेफ्ट 180 डिग्री एंड राइट 45 डिग्री, लेफ्ट 45 डिग्री कंटिन्यूसली इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज। एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, और दाएं 135 डिग्री मुड़ता है, और बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, और दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, और बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, तो आप वो किस दिशा में, तो इसमें क्या आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को आपको जब भी सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट तरफ मतलब बाएं कितना मुड़ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ देखना कितना मुड़ रहा है, तो लेफ्ट तरफ सब लेफ्ट वाला ऐड कर लीजिए, तो 90 प्लस 180 प्लस 45 सिर्फ बाएं वाला है, तो टोटल लेफ्ट वाला कितना हो जाएगा आपका 315 डिग्री लेफ्ट मूव कर रहा है। अब राइट की बात करें तो राइट कितना मूव कर रहा है, तो राइट 135 है, दाएं 135 और एक 135 और एक 45 यानी कि 180 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट यानी कि 315 में 180 माइनस कर देंगे, यानी कि अब लेफ्ट वाला बचेगा 135, यानी कि बाएं तरफ 135 डिग्री इसको मुड़ना है। मिला के इस क्वेश्चन में आपको उतना उलझना नहीं है, सिर्फ आपको ही देखना है कि बाएं कितना डिग्री चल रहा है और लेफ्ट कितना डिग्री मूव कर रहा है, मैंने घूम रहा है, तो लेफ्ट तरफ टोटल 115 डिग्री हो गया और राइट में 180 डिग्री हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जो ज़्यादा है वही हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस है, और डिफरेंस में ज़्यादा प्लस में कौन है, जो ज़्यादा है तो लेफ्ट वाला, यानी कि लेफ्ट टर्न जो लेगा 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि आप क्या करना है, तो वो जो है साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, वो जो है साउथ ईस्ट की तरफ है, तो देखते हैं
नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या, अब क्या हम मेरे पास क्या था कि लेफ्ट तरफ कितना है 135 डिग्री निकला है दोनों तरफ से, क्योंकि राइट में अगर 315 डिग्री था और लेफ्ट में 315 था और राइट में 180 डिग्री था, तो दोनों का डिफरेंस जो 135 डिग्री हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो मैन है वो आदमी जो है दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके, दक्षिण पूर्व मतलब क्या कि साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन लेंगे तो साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ, ठीक है, ये जगह साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जो आदमी है वो किधर मुंह करके खड़ा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए, ए मैन फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की ओर, यानी कि साउथ ईस्ट की ओर, तो उसको क्या करेंगे पहले साउथ ईस्ट करेंगे, यानी कि जो आदमी खड़ा है वो साउथ ईस्ट की तरफ खड़ा है, यानी कि साउथ ईस्ट इधर खड़ा है, ठीक है, साउथ ईस्ट इधर खड़ा है। तो यहाँ से हमको कितना चलना है 135 डिग्री बाएँ चलना है, तो 135 डिग्री बाएँ चलना है तो ये तो 45 डिग्री हो गया, यानी कि बाएँ चलना है, यानी कि लेफ्ट चलना है, इधर करके तो यानी कि लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक चलना है। तो इस अब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका नॉर्थ डायरेक्टर मतलब उत्तर की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, यानी कि अब किधर मुँह लगा खड़ा है, नॉर्थ की तरफ मतलब उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ मैन वॉक 40 मीटर टू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड देन टर्न राइट एंड वॉक, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अ मैन वॉक 60 मीटर टू ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए देन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर इन द लास्ट राइट टर्न लेफ्ट एंड वेंट फॉर 60 मीटर एंड रीच अ पॉइंट बी, फाइंड ए बी। बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, ठीक है। कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु है, अब किधर चल रहा है ईस्ट की ओर, तो कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से कोई बिंदु है, अब ईस्ट की ओर चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है 60, ठीक है। बिंदु ए से, बिंदु ए है, क्या है ए है, ठीक है। तो बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ता है, मतलब राइट टर्न लेता है, यानी कि राइट टर्न लिया और कितना चला 50 मीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए, अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर अब क्या है वो बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ता है, और वो 60 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है 60 यानी 60, और बिंदु बी में पहुंच जाता है, फिर अब क्या पूछता है कि बिंदु बी पे पहुंच जाता है तो ए और बी के बीच में दूरी क्या होगी, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, मतलब इसका आपको दूरी निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ से आप पहले इसको परपेंडिकुलर खींच देंगे, कोई एक लाइन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला क्या है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 120 और ये आपका हो गया 50। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ ये निकाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में बताया मैंने कि अगर ट्रिपलेट होता है, जैसे 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि दोनों का सम, यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 और 169, इसको दौड़ेंगे तो 169 आएगा, मतलब कि ये पाइथागोरस जो है पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 13 हो गया, यानी कि 13 हो गया तो 10 बढ़ा देंगे, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा 13 ऐसे हो रहा है 5, 12, 13, यानी कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130, आप डायरेक्टली 130 निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आप बेसिक्स अगर जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है तो ट्रिपलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन वॉक 30 मीटर टू नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, मतलब एंड देन टर्न लेफ्ट वॉक एंड लेफ्ट वॉक 10 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर एंड रीच एट पॉइंट बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर चला, ठीक है। तो एक पॉइंट लिए, ठीक है, अब एक पॉइंट है यहाँ से नॉर्थ की ओर चला, कितना चला 30,
एक आदमी बिंदु ए से नॉर्थ टू नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से वो नॉर्थ की ओर चला और इसका डिस्टेंस जो दूरी है आपका कितना है, 30, 30 यानी कि 30, ठीक है। तो 30 चला, फिर वो बाएं मुड़ा और 10 मीटर जाता है, यानी कि बाएं मुड़ा और 10 मीटर जाता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, फिर बाएं मुड़ा और 6, ठीक है, मीटर जाता है। तब फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और वो 3 जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 जाता है, ठीक है। अब ये बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये पॉइंट जो आपका बी है, बी, ये था ए, अब ई बी है। तो पूछा जा रहा है कि ए के बी के बीच में दूरी क्या, मैंने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एंड फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए। अब ए से बी का डायरेक्शन ही पूछा है, क्या पूछा है कि ए से बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी का डायरेक्शन क्या होगा और दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दूरी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से आपका टोटल 30 है, यानी कि 6 माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आपका 24 हो जाएगा। इसको पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये वाला बी हो गया और ये वाला ए हो गया, और इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 30 था तो 6 माइनस हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा, यहाँ पर 10 था 3 हो गया यानी कि 7 हो जाएगा। तो बच्चा आपका यहाँ से ए बी निकल जाएगा, और ए बी का जो डायरेक्शन क्या होगा, अगर इधर नॉर्थ हो गया और इधर आपको वेस्ट हो गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका, तो आप डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं, आपको आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी ऐसे आपका बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू निकालना है 25 है कि नहीं, तो 25 देखिए, अब जब डायरेक्शन आपका निकल गया, डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट एक ही डायरेक्शन है, बाकी सब तो अलग है, यानी कि ऑप्शन डी तो आपका निकल गया, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आपका आंसर मिल जाए तो आपको ज़्यादा उस क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे जाना है और आगे दूसरा क्वेश्चन को टाइम देना है, ताकि उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिर वही चीज़ आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 का रूट होता है 25, यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर हो जाएगा और उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ए का डायरेक्शन, ए फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्लॉक बनाना है, क्लॉक घड़ी बना दें, घड़ी बना दी, ठीक है। अब क्या बोला है कि मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब जब 4:30 बज रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 हो गया, ये क्या हो गया 4:30, यानी कि 4:30 बज गया, ठीक है। तो 4:30 जब बज रहा है, देन विच डायरेक्शन द आवर हैंड, अब मान लीजिए 3:30 बज रहा है, क्या हुआ, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30 पर उत्तर पूर्व दिशा में है, मिनट वाली यानी कि मिनट वाली जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो मिनट वाली नॉर्थ ईस्ट में, तो आप यहाँ से अब क्या पूछा है, देखिए अब पूछा है कि आपका कि 10:30 जब बजेगा, यानी कि 10:30 यानी कि 10:30, अब 10:30 बजेगा 10:30, तो जब 10:30 बजेगा तो आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में, मैंने इसका डायरेक्शन पूछा गया है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरह करके डायरेक्शन बना लीजिए, आप पहले डायरेक्शन बना लेंगे, तो डायरेक्शन बनाना है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर आपका वेस्ट हो जाएगा और इधर आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे, अब ईस्ट इधर राइट में, तो वेस्ट लेफ्ट तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो अब क्या हो गया, ये जो आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। अब जो 10:30 जब बज रहा है, तो आवर हैंड वाली मैंने घंटे वाली सुई जो है आपका साउथ डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऑप्शन दक्षिण में होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऑन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन टू हिज राइट, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। एक शाम को, मैंने शाम हो रहा है, ठीक है, तो शाम का टाइम है, यानी कि सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है, जब भी शाम का टाइम है, तो शाम का टाइम होगा तो क्या होगा, शाम सूर्य किधर डूबती है, वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में इधर, ठीक है। तो शाम की ओर मतलब कि एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, मैंने इस इधर आने का प्रारंभ किया, ठीक है।
और करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, फिर अपन दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब उसका मुख किस डायरेक्शन होगा? इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण। ऑप्शन सिक्स का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको देखना है जो सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेक अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मैंने विवेक और अशोक एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए, विवेक उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर की ओर मतलब विवेक जो है वह नॉर्थ की ओर गया। विवेक जो है नॉर्थ की ओर गया। ठीक है, विवेक जो है नॉर्थ की ओर गया 3 किलोमीटर। विवेक जो है नॉर्थ की ओर गया 3 किलोमीटर। विवेक जो है वो नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया। दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है, विवेक चला गया। अब क्या है कि इतना दूरी तय किया। अब अशोक, ठीक है, अब अशोक को लेते हैं। तो अशोक क्या इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा। अशोक पश्चिम की ओर चला, मतलब अशोक जो है 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया। अशोक जो है 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया। ठीक है, फिर आगे चलिए, चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ 5 किलोमीटर दे दिया, यहाँ पर हिंदी में ये 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, इंग्लिश में ठीक दिया, यानी कि 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब क्या है कि पूछा जा रहा है कि अब उनके बीच की दूरी क्या होगी। मैंने अब देखिए, ये जो विवेक इस पॉइंट पर पहुँच गया, विवेक मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुँच गया, और जो अशोक है इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो दोनों अलग अलग पॉइंट गया। अब इसका दूरी पूछा है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? इसका दूरी, यानी कि इसका दूरी पूछा है, यानी कि अब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो 5 × 9 यानी कि 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 7 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ राम हाउस इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ कृष्णा, टू द साउथ ऑफ कृष्णा हाउस एंड गोविंदा हाउस इज टू ईस्ट ऑफ कृष्णा हाउस, इन व्हाट डायरेक्शन इज राम हाउस सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू गोविंदा हाउस। ठीक है, यदि राम का घर कृष्णा के घर से, ठीक है, राम का घर है, ठीक है, राम का घर जो है कृष्णा के घर से दक्षिण में, मतलब साउथ में है। बोला कि राम हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा, तो कृष्णा का घर अगर यहाँ है, कृष्णा घर है, तो उसका साउथ में राम का घर है। ठीक है, आगे चलिए, कृष्णा के घर के पूर्व मतलब ईस्ट में, कृष्णा के घर के ईस्ट में, ईस्ट में किसका घर है? गोविंदा का घर है। ठीक है, गोविंदा का घर है। ठीक है, तो अब बताइए कि गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में है। ठीक है, आप पूछ रहा है गोविंदा का घर राम के घर से, क्या पूछ रहा है कि गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में है? तो ये आपका दिशा हो जाएगा, यानी गोविंदा का घर से राम का किस दिशा क्या, यानी कि आपका इधर अगर ईस्ट था तो इधर क्या हो गया, ईस्ट था तो इस डायरेक्शन में आया, यानी कि देखिए इस तरह का डायरेक्शन देखेंगे तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सॉरी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड, यानी कि प्रकाश उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। प्रकाश जो है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, यानी कि प्रकाश जो है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, मन फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लिया और वो 4 किलोमीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर 6 किलोमीटर चला, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब हाउ फार प्रकाश इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो प्रकाश जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से प्रकाश अब कितना दूरी में होगा ये पूछा है, तो 4 किलोमीटर में होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, तो 9 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ आई स्टैंड ऑन हिज हेड विथ फेस टुवर्ड नॉर्थ, मतलब यदि ए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो बताइए उसका दायां हाथ किधर होगा, तो दायां हाथ उसका इधर ही होगा, यानी कि एक ईस्ट तरफ मुंह करके मतलब उत्तर की ओर है, तो उसका जो दायां हाथ होगा वो साउथ की ओर होगा, यानी कि बायां हाथ उसका नॉर्थ की ओर होगा, मतलब उत्तर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका
राइट हो जाएगा। टेन का क्वेश्चन नंबर टेन, इफ आई स्टैंड ऑन इज हेड विद फेस टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा फेस नॉर्थ की ओर किया हुआ है, सॉरी एक मिनट उल्टा पढ़ दिया था। ठीक है, जो फेस है ये उत्तर की ओर दिशा करके मुंह खड़ा है, ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका बायां, अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, यानी कि बायां हाथ उधर का वेस्ट की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वे टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माई बैक बी। जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर है, मतलब मेरा राइट हैंड जो है वह दक्षिण की ओर है, मतलब साउथ की ओर है, ठीक है, तो उसका जो दायां हाथ है वो साउथ की ओर है। किधर है? दायां हाथ जो है उसका साउथ की ओर है, तो दायां हाथ इसका साउथ की ओर है, यानी कि इसका जो राइट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड जो इसका होगा वो साउथ की ओर है। ठीक है, तो राइट हैंड अगर साउथ की ओर है और तो उसके पीठ किस दिशा में होगा? अगर दायां हाथ अगर इसका राइट में है, यानी कि फेस जो होगा उसका ईस्ट में हो जाएगा, फेस अगर ईस्ट में हो जाएगा, और इधर आपका इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और इधर आपका बैक साइड हो जाएगा, यानी पीछे तरफ, पीछे तरफ, तो पीठ जो होगा उसका पीछे साइड होगा। तो देखिए, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर है, यानी कि साउथ की ओर है, दायां हाथ अगर साउथ की ओर है, यानी इधर है, दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है, यानी दक्षिण की ओर है, तो बताइए मेरा पीठ किस दिशा में है। तो अगर राइट इधर हो गया तो लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा, और आपका फेस इधर हो जाएगा, फेस ईस्ट तरफ हो जाएगा, तो पीछे साइड आपका, बैक साइड आपका वेस्ट तरफ हो जाएगा, यानी कि पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ मोहन वॉच द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। यदि मोहन अपने घर से उगते, अब देखिए सूर्य उगता है तो इधर उगता है ईस्ट की ओर, और वेस्ट की ओर डूबता है। ठीक है, सूरज इधर उगता है वे ईस्ट की तरफ और डूबता है वेस्ट की ओर। ठीक है, तो आगे देखिए कि यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से देखता है, यानी कि इधर आपका टेम्पल हो जाएगा, इधर आपका मंदिर हो जाएगा, और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है, यानी कि रेलवे स्टेशन इधर हो जाएगा, रेलवे स्टेशन इधर हो जाएगा, और टेम्पल आपका ईस्ट की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट की ओर आपका रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ईस्ट की तरफ आपका टेम्पल हो जाएगा। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है, यानी कि 12th का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट। मतलब एक आदमी अपने घर से 8 बजे सुबह चलता है, ठीक है, अब 8 बजे सुबह चलेगा तो सूर्य इधर ही होगा ईस्ट में, ठीक है, सूर्य किधर उगता है? पूरब में, यानी ईस्ट में। तो 8 बजे चलता है तो उसका जो, उसकी परछाई दाएं ओर पड़ती है, तो उसकी परछाई दाएं ओर कब पड़ेगा? जब आदमी इधर जाएगा, अब आदमी इधर फेस करेगा तो इसका दाएं तरफ परछाई पड़ेगा, बाएं तरफ ही हो गया, इसका दाएं तरफ परछाई पड़ रहा है कि आदमी किधर जाएगा, साउथ की ओर, यानी कि साउथ की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर जाएगा, तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है, तभी तो इधर राइट तरफ इसके मैंने दाएं तरफ परछाई आएगा, यानी कि पड़ेगी, तो वो किस दिशा में जा रही है, यानी कि वो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जाएगा, तो उसका परछाई जो दाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 13 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग हर बैक टूवर्ड राइजिंग सन, ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो सूर्य उदय के समय, तो सूर्य किधर होता है? ईस्ट में, यानी कि पीठ पीछे करके, इसका पीठ पीछे है, यानी कि इधर चलने स्टार्ट किया। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है, और कुछ समय बाद वह अपने बाएं चलती है, फिर अब बाएं चलती है। ठीक है, बाएं चलती है, मतलब लेफ्ट टर्न लेती है। पहले वो क्या करेगी, कीपिंग हर बैक टुवर्ड्स राइजिंग सन रेशमा स्टार्ट वॉकिंग, आफ्टर ए फ्यू मिनट सी टर्न लेफ्ट एंड कीप ऑन वॉकिंग। ठीक है, अब फिर देखिए कुछ समय बाद वह फिर अपना दाएं मुड़ती है, फिर अपना दाएं मुड़ती है, फिर अपना दाएं मुड़ती है। ठीक है, दाएं मुड़ के मतलब राइट टर्न ले लिए, उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर उसके बाद बाएं मुड़ गया, तब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में की ओर जा रही है, यानी कि साउथ की ओर जा रही है, किधर? साउथ की ओर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 14 का, यानी कि साउथ, यानी कि दक्षिण, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 12:30 द आवर हैंड ऑफ क्लॉक फेस नॉर्थ। ठीक है, मान लीजिए 12:30 हो रहा है, तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए, 12:30 हो रहा है, यानी कि 12 हो रहा है, यानी कि 12:30 मान के चलिए ऐसे होगा। ठीक है, 12:30 हो रहा है,
तो 12:30 जब देखिए 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर है, घंटे की सुई है उत्तर की ओर, मैंने घंटे का सुई जो है आपका वो नॉर्थ की ओर है, ठीक है, तो मान लेते हैं नॉर्थ की ओर है, ठीक है, मैंने उत्तर की ओर है, और द मिनट हैंड फेस साउथ, मिनट हैंड जो है मान लीजिए कि जैसे ऐसे होगा साउथ की ओर है, ठीक है, मिनट हैंड साउथ की ओर है, तो 2:30 बज के, अब क्या बोल रहा है कि 2:45 यानी कि 2:45, 2:45 में मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो मिनट हैंड क्या होगा, अब देखिए साउथ हो गया यानी कि ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी कि जो मिनट हैंड होगा आपका वेस्ट की ओर हो जाएगा, मिनट हैंड जो आपका वेस्ट की ओर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका, ठीक है, यानी कि साउथ से 90 डिग्री चलना है, अब थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि नॉर्थ और साउथ एक डायरेक्शन में कैसे होगा, क्योंकि ये तो 12:30 हो गया, ये थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन आपको देखना है कि जो मिनट हैंड है जब 8:30 बजे 2:45 जब टाइम होगा तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा ज्ञात करना है, तो वेस्ट की ओर होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रोहिम रोड ऑन बाइसाइकिल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड मार्केट फॉर 300 मीटर ही, देखिए रहीम दक्षिण पश्चिम में स्थित, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब क्या होगा, अगर इस तरह डायरेक्शन होगा तो दक्षिण पश्चिम आपका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, एक मिनट, दक्षिण पश्चिम आपका ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, तो रहीम दक्षिण पश्चिम में स्थित 300 मीटर गया, यानी कि 300 मीटर ही चला, 300 मीटर चला, ठीक है, और मैंने रहीम दक्षिण पश्चिम में स्थित 300 मीटर दूरी बाजार के लिए घर से साइकिल से निकला, उसके बाद 135 डिग्री बाएं और 100 मीटर की दूरी तय किया, तो 135 मीटर, अब इधर जा रहा होगा कोई भी अगर इस लाइन में जा रहा होगा, तो आप इसको मान लीजिए कि 135 डिग्री मूव करना है, तो ये क्या होगा, एक मिनट कर्सर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट वेट वेट, देखिए अब क्या है कि सबसे पहले क्या है कि रहीम दक्षिण पश्चिम मतलब ईस्ट हुए, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आपका यही हो जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में 300 मीटर चला साउथ वेस्ट में 300 मीटर चला, ठीक है, फिर बोलता है कि बाजार के लिए घर से साइकिल से निकलता है और उसके बाद 135 डिग्री बाएं मुड़ा है, तो 135 डिग्री ऑब्वियस सी बात है 135 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, तो पहले 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री आप इस तरह का कोई लाइन पर जा रहे तो 90 डिग्री तो आपका यही हो जाएगा, तो आपका 135 डिग्री आपका यही हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, यानी कि 135 डिग्री बाएं मुड़ा, मैंने बाएं मतलब इधर मुड़ा, ये इनके अब इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो कितना जा रहा है 100 मीटर, ठीक है, तो रहीम के घर से दोस्त का घर की दिशा का ज्ञात कीजिए, तो पहले रहीम का घर कहाँ है, रहीम का घर आपका यहाँ है, रहीम का घर क्या है, रहीम का घर आपका यहाँ है, रहीम हाउस यहाँ है, रहीम हाउस रहीम का हाउस यहाँ है और उसका दोस्त का फ्रेंड हाउस यहाँ है, तो पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि रहीम के घर से दोस्त के घर की दिशा क्या होगा, तो रहीम के घर से दोस्त की दिशा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका, सॉरी ऑप्शन, अच्छा क्या पूछा, देखिए इन विच डायरेक्शन इज रहीम हाउस फ्रॉम फ्रेंड हाउस, मतलब रहीम का घर जो है दोस्त के घर से किस दिशा में है, तो इस ये पूछा आपको, तो नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूछता कि फ्रेंड का रहीम के रिस्पेक्ट तो साउथ हो जाता, लेकिन रहीम का हाउस पूछा फ्रेंड के रिस्पेक्ट से तो नॉर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का, देखिए 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग एज शोन इन द फिगर ऑल द फेसिंग आउटवर्ड इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेस विद ईच अदर एंड डी एंड एच इंटरचेंज, देखिए ए और बी इंटरचेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ए और बी को इंटरचेंज करना है और डी और एच को इंटरचेंज करना है, ठीक है, एंड विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, मैंने 8 लोग ए बी सी डी से एच तक चित्र अनुसार बाहर की ओर मैंने बाहर की ओर मूव करके बैठे हैं, यदि ए और बी आपस में चेंज किया जाए और डी और एच के अपने जगह आपस में बदलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का इंटरचेंज करना है, ए और बी और डी और एच, तो ए और बी की जगह क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको बी कर देंगे और इसको ए कर देंगे, ए और बी को इंटरचेंज करना है, यानी कि
ए और बी को, तो यहाँ पर बी लिख देंगे एक जगह पे, बी लिख देंगे और एक जगह पे बी के जगह पे ए लिख देंगे, और डी और एच आपस में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर डी लिख देंगे और यहाँ पर एच लिख देंगे। आप देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। एच इज फेसिंग साउथ ईस्ट, एच क्या है साउथ ईस्ट में, एच देखिए इसका डायरेक्शन क्या इधर हो गया, यानी कि इधर आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो एच फेसिंग साउथ ईस्ट, एच जो है क्या है साउथ ईस्ट में, यानी कि एच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, ठीक है, यानी कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। बी इज फेसिंग नॉर्थ, तो बी नॉर्थ की ओर फेस किया, बी आपका इस डायरेक्शन में, तो ये भी सही है। जी इज फेसिंग वेस्ट, जी इधर है, यानी कि जी भी सही है। यानी कि ए इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ए क्या है नॉर्थ वेस्ट की फेस किया है, नहीं, ए जो है आपका नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब की ओर किया हुआ, लेकिन यहाँ पर दिया है ये आपका गलत है। लेकिन जो पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपका डायरेक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह धीरे धीरे करके मैं सभी रीजनिंग के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल वे में, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो और आप टेस्ट देते रहें रेगुलर बेसिस पे, तो आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपका क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, आपको टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे क्लास से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपको टेलीग्राम में सब मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको आज का डायरेक्शन का क्लास पूरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, अगर आप सही से पढ़ेंगे सभी मैथ, आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।